जोडियाक को लूटने जा रहे हैं। क्या 50 लाख 4 दिन? तेरे पास कौन से पैसे जो तुम्हें पर्ची आई है? भत्ता लिया है। केदों का दफा हो जाए यहाँ से। हमें इस मसले का हल आज ही निकालना पड़ेगा, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम सीसी के तावन से एक बार फिर लेकर हाजिर खिदमत हूँ। और बहुत सारी दफ़ा हम जब पाकिस्तानी सिनेमा का जिक्र करते हैं तो इसमें जहन में बहुत उम्र रसीदा तजुर्बाकार लोग आते हैं जो कि अपनी उम्र की जो है वो नकदी इसी फील्ड में खर्च कर चुके होते हैं और चश्मे लगा के हाथों में सिगरेट या पेन पकड़े हुए सिगार पकड़े हुए वो अपने तजर्बे के मुताबिक जो है वो फिल्म की बातें करते हैं। मगर आजकल कुछ 2-3 साल से पाकिस्तानी सिनेमा में नए चेहरे जो आ रहे हैं, चाहे वो फिल्म एक्ट करने के हवाले से हो, डायरेक्ट करने के हवाले से हो या फिर प्रोड्यूस करने के हवाले से हो, दे आर प्रीटी मच यंग पीपल, हाई एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी के साथ वो तय करते हैं कि हमने इस फिल्म में कुछ कर दिखाना है। सो मेरे आज के जो गेस्ट हैं वो एक बहुत यंग प्रोड्यूसर हैं, अपने करियर का आगाज़ उन्होंने सियाह के साथ किया और एक हॉरर जॉनर की फिल्म उस वक्त इंट्रोड्यूस करवाई जब इस जॉनर में कोई काम नहीं कर रहा था। उसके बाद 3 साल का गैप दिया और एकदम कमबैक किया जानान के साथ जो कि एक अमेजिंगली ग्लैमरस और फैमिली एंटरटेनमेंट थी। सो आई थॉट कि क्यों ना हम इमरान को आज पकड़ें, उनसे बात करें और पूछें कि भाई इस ज़बरदस्त जो है वो सफ़र का राज क्या है। सो अस्सलाम वालेकुम इमरान, थैंक यू सो मच आपके टाइम का शुक्रिया। थैंक यू आपने बुलाया और आपको खुश आमदीद कहते हैं हमारे आज के प्रोग्राम में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंग्रेचुलेशन, 3rd फिल्म जो है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीट होने के करीब करीब है एंड वी आर होपिंग कि ये इस साल के एंड तक रिलीज हो जाए। सो पर्ची पे काम हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सियाह। सियाह जो है वो 2013 में रिलीज हुई थी और उस टाइम पे अचानक से पता चलता है कि एक हॉरर जॉनर की फिल्म आ रही है और कोई इस्लामाबाद से इमरान काज़मी हैं जो कि उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो आगे भी जो पता किया ये कहाँ से हैं भाई साहब और जब मुलाकात जो है फेसबुक के थ्रू हुई तो देखा ही तो यंग से भाई हैं, लड़के से हैं। सो ये प्रोड्यूसर बनने का शौक कहाँ से, क्योंकि इस फिल्म में तो हर कोई डायरेक्टर या एक्टर बनना चाहता है। बेसिकली सीन ये था कि मैंने एक फिल्म देखी थी 2009 में ज़िबा खाना के नाम से। बिल्कुल। तो जब ज़िबा खाना देख रहा था तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार अगर ये फिल्म बना सकते हैं तो मैं भी फिल्म कर सकता हूँ। थोड़ा पैशन भी था, थोड़ा बिजनेस के लिहाज से भी एक सोच थी, सिनेमाज बन रहे थे तो, और लकीली उस टाइम पर मेरे जितने भी दोस्त थे वो सारे थिएटर के थे, उस्मान खालिद भट्ट, हरीम फारूक, हमजा अली अब्बासी, हम सारे एक ही इन अ वे कह सकते हैं एक ही बैच के थे सारे फ्रॉम इस्लामाबाद। तो वहाँ से बात निकली, होता होता गया, फिर मैंने कहा चलो यार लेट्स ट्राई एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन अ स्क्रिप्ट। अच्छा। सो बेसिकली 2009 में एक फिल्म रिलीज हुई थी ज़िबा खाना के नाम से। सो हम लोगों ने जब जाके वो फिल्म देखी तो पता चला, मतलब देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार अगर वो बना सकते हैं तो हम भी बना सकते हैं। लकीली उस टाइम पे जितने भी मेरे दोस्त थे, अली रहमान, उस्मान खालिद भट्ट, हरीम, ये लोग सारे इंडस्ट्री के भी थे, दोस्त भी थे, तो वहाँ से एक आइडिया जनरेट हुआ कि लेट्स मेक अ फिल्म। थोड़ा क्रिएटिव एंड में मेरा खुद भी अपना आइडिया था करने का। हम लोगों ने स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू किया, पैसे नहीं थे। अच्छा। सो फाइनल हम लोगों ने सोचा कि हम एक हॉरर फिल्म बनाते हैं, एक ही घर में होगी, मैं अपने घर में शूट कर लूँगा, एक्टर्स में हरीम हो जाएंगे, दोस्त होंगे, इनको लेके। सिर्फ जो हमारी जो छोटी बच्ची थी उस फिल्म में महानूर, वो 10 साल की थी, सिर्फ उसको ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा था। सो वहाँ से एक स्टार्ट हुआ काम करना और फिर आगे आगे चलता गया चलता गया। अच्छा, यूजुअली वो फिर कमिंग बैक टू माय फर्स्ट क्वेश्चन कि प्रोड्यूसर ही क्यों, तो यूजुअली जो है वो फैमिली सपोर्ट बहुत रिक्वायर्ड होती है क्योंकि समहाउ पाकिस्तान जो है वो वन ऑफ दोज कंट्रीज जहाँ पे आर्ट्स की फील्ड कोई बच्चा अडॉप्ट करता है ना तो उस पर हम लोग खुश नहीं होते। असल में पता ही चेंज हो गया थोड़ा सा पिछले कुछ सालों में, आई थिंक नई जनरेशन में अभी अगर आप BNU NUST NC जाएँ तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी मैथ्स कॉम भी कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग और इस फील्ड में भी ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो एक चेंज भी डेफिनेटली आया है। सेकेंडली सपोर्ट डेफिनेटली अम्मी की तरफ से बहुत ज़्यादा थी, अबू की तरफ से बहुत ज़्यादा थी, खासकर अम्मी की तरफ से। और ये था कि एक जो द रीज़न मैं प्रोड्यूसर बना डायरेक्टर नहीं बना वो ये था कि खासकर फिल्म मेकिंग में इट्स नॉट अ वन मैन शो। बिल्कुल। आपको राइटर को भी अलग होना है,
ठीक है, स्क्रिप्ट सॉरी डायरेक्टर भी अलग होगा, डीओपी भी अलग होगा, प्रोड्यूसर भी अलग होगा, ठीक है. मेरी अपनी जो स्किल्स थी उसमें मुझे पता था कि आई एम मैं कोऑर्डिनेशन में अच्छा हूँ, मैं काम करवाने में निकलवाने में अच्छा हूँ. सो मैंने चूज किया कि प्रोडक्शन साइड इज फार मोर बेटर देन मी फॉर मी एज कम्पेयर टू बीइंग अ डायरेक्टर. क्योंकि अगर आप डायरेक्शन में आ जाते हो तो फिर आप जितने भी बाकी लोगों के काम है वो इटसेल्फ एक बड़ा मुश्किल काम है. सो इसलिए प्रोडक्शन में मे बी आफ्टर 10 इयर्स डायरेक्टर यू नेवर नो. अच्छा इमरान, मुझे बताओ गाइड किसने किया, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए जो है या तो कोई आपको बताने वाला हो कि स्टार्ट कहाँ से करना है, आपने चीज़ें कहाँ से अरेंज करनी है, आपने बजटिंग कैसे करनी है, ये सब गाइडलाइन कैसे मिली? धक्के खा गए, हिडन ट्रायल. कुछ ऐसे लोग मिले स्टार्ट में, ऐसे लाइन प्रोड्यूसर्स मिले जिन्होंने खाया. ओके. सियाह के टाइम पे, तो सियाह जो थी बेसिकली 2011 में शूट होनी थी, जो हुई 2012 में. रीज़न ये था कि मैं धक्के इतने खा रहा था, डायरेक्टर चूज करना, प्रोडक्शन साइड चूज करना, कुछ पता नहीं था. सो वो एक प्रोसेस लगा हुआ, बट मुझे फ़ायदा सिर्फ ये हो गया क्योंकि मैंने एक बहुत स्मॉल बजट फिल्म से शुरू किया था काम, तो मुझे निटी ग्रिटीज़ का हर चीज़ का पता था कि यहाँ पैसे बचाए जा सकते हैं. यूजली मेरी जितनी भी फिल्म्स होती हैं वो उस तरह ओवर बजट नहीं होती, बचाती हैं, रोक देता हूँ पैसे. क्योंकि मेरा स्टार्टिंग ऐसे पॉइंट से थी कि 6-7 लाख रुपए हों आपके पास और आपने उसमें पूरी फिल्म करनी है. सो वो एक बड़ा मुश्किल टास्क था, पर इन द एंड व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो वो निकल आता है. अच्छा अब हम अगली फिल्म की तरफ आते हैं. मतलब यू आर राइट, एक छोटे बजट की फिल्म से स्टार्ट करने का फायदा ये कि आपको कम बजट में मैक्सिमम काम निकालना आ जाता है. वेरी गुड थिंग. सो हाउ जानान हैपेंड? जानान का सिर्फ सीन ये था कि हम लोग इनिशियली उस टाइम पे एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे जो हम लोगों ने सियाह के टाइम पे शुरू किया था, असफर जाफरी और मैंने जो डायरेक्टर है मेरे, कि हम एक कॉमेडी फिल्म बनाते हैं. क्योंकि उस टाइम पे हमें रियलाइज हो गया था स्टैट्स देखने के बाद कि कॉमेडी फिल्म का सबसे ज्यादा मार्केट है एक्शन एंड कॉमेडी फिल्म की, नो डाउट इन पाकिस्तान. तो हम लोगों ने एक जनरल सा एक स्केलेटन ऑफ प्लॉट लिखा, उस पर काम करना शुरू किया हम लोगों ने. बीच में हमें एक बंदे ने आइडिया दिया कि ऐसा कह रहे हैं कि आप पठानों पर एक फिल्म बनाएं. अच्छा. एक, ताकि हमेशा पंजाबियों की फिल्म होती हाँ, है, पंजाबी गाने होते हैं, ढोल होता है, भंगड़ा होता है. मेरी अम्मी खुद भी पठान है, तो आइडिया बड़ा अच्छा क्लिक किया. और वो ये था कि टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप्स जो कि पठानों के साथ हैं. सो वहाँ से जनान का कॉन्सेप्ट बनना शुरू हुआ. कुछ राइटर्स को हम लोगों ने इनिशियली हम सियाह में भी, पर्ची में भी, जनान में भी इनिशियल प्लॉट जो होता है वो यूजली मैं असफर के साथ खुद लिखता हूँ, बनाता हूँ. इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हो प्लॉट के लिए? आइडियाज आते हैं आपको? यू रीड अ लॉट, यू वॉच अ लॉट, हाउ इट वर्क्स? आई थिंक क्रिएटिविटी जो है वो कुछ गॉड गिफ्टेड होती है. जो आ जाती है आपको, प्लस टीम. टीम जो मेरी ऐसी है जिसमें मैं बहुत प्राइड लेता हूँ कि वो अगर मैं उनको कुछ भी कह दूँ ना, जैसे हम लोग अभी कर रहे थे एक प्रोमो शूट कर रहे थे, तो वो बैठे बैठे आइडिया आया. जितने भी हमारे कोर टीम है जिसमें मैं अली रहमान को भी अपने कोर टीम मेंबर्स में समझता हूँ, उस्मान खालिद भट्ट को, हरीम, अहमद अली जो हमारे एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, वो हैं, असफर हैं, और तो ये 5-7 लोग हैं. ये सारे इतने क्रिएटिव हैं, इतने टैलेंटेड हैं. अभी लास्ट एक इंटरव्यू था तो उसमें भी मुझसे पूछ रहे थे कि अगर 1 वर्ड दें हर एक के लिए, तो वो इतना मुश्किल था क्योंकि सब में इतने ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं कि हम लोग कोई भी आइडिया बैठते हैं, जनरल डिस्कशन शुरू होती है, 50,000 आइडियाज आ जाते हैं आपको उसी वक्त में कि यार ये करना, ये करना, इस तरह कर सकते हैं. तो जनान में भी यही सीन था कि बैठे आइडियाज आना शुरू हुए क्योंकि हम लोगों ने स्टीरियोटाइप्स तोड़ने थे. फिर हम लोगों ने पहले, सबसे पहले हम जॉनरा चूज करते हैं, ठीक है, कि जॉनरा क्या रखेंगे, कि इसको कॉमेडी बनाना है, रोम कॉम बनाना है, रोमांटिक बनानी है, या एक्शन करना है. तो रोम कॉम का आइडिया है क्योंकि हमारा पीछे से कॉमेडी कॉमेडी एक हमारा चल रहा था ऑलरेडी. फिर वहां से फिर हम लोगों ने आगे प्रोसीड किया. अच्छा, जानान की कहानी भी अगर हम थोड़ा सा डाइसेक्ट करते हैं, उसमें बहुत सारे सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, वो आप टच करते हुए गुजरे हो. अडॉप्शन का टॉपिक आपने टच किया, आपने हैरेसमेंट का टॉपिक टच किया, आपने एजुकेशन को बड़े मजेदार तरीके से हैंडल किया. वुमेन एजुकेशन. सो ये जो ये 4 टॉपिक थे, यू डिसाइडेड कि यार हमने इसको जो है वो डिटेल में नहीं किया लेकिन हल्का फुल्का फ्लेवर देंगे, ऐसे डिसाइड हुआ था या कहानी खुद अपना रुख लिया था? सलमान खान से इंस्पिरेशन की फिल्म से, उसकी फिल्म्स में दबंगो या जितनी भी उसकी फिल्म्स हैं वो एक आधा सीन में एक आधा डायलॉग जो है ना वो ज़रूर वुमेन राइट्स के लिए करता है. तो हम लोगों का भी ये प्लान था कि क्योंकि यूजुअली लोग आर्ट फिल्म्स नहीं देखते, ठीक है, वो कमर्शियल फिल्म्स जाके देखना पसंद करते हैं, तो
अपनी कमर्शियल फिल्म्स में कुछ ना कुछ एजुकेशन का हम अगर डाल दें या एजुकेट कर लें लोगों को, ताकि उसका फ़ायदा ये हो जाता है सिर्फ कि अगर किसी दो बंदों का भी दिमाग चेंज कर सकें हम, तो हमारा काम पूरा हो गया. सो उसी लिहाज से हमें सोचा था कि हम पीडोफीलिया पे, अडॉप्शन पे और एजुकेशन पे हल्का हल्का टच करेंगे, ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जाएंगे, ताकि फिर वो आर्ट फिल्म ना बन जाए, क्योंकि रोम कॉम की एक बाउंड्रीज थी हमारे पास, वो हम एक्सीड नहीं करना चाह रहे थे. सो उस्मान खालिद भट्ट ने बहुत ही डेलिकेटली उसको पुट किया, जो कि एक बहुत मुश्किल टास्क था, और हमें डर ये भी था कि शायद लोग ये बोलेंगे कि इतना बड़ा टॉपिक इन्होंने इतने प्यार से टच कर गए. लेकिन मेरा पॉइंट स्टार्ट से ये था, उस्मान डरता था खासकर इस मामले में, यार ये ना हो कि लोग बोलें वो. मैंने क्या कहा कि कुछ ना करने से कुछ कह देना ज्यादा बेहतर है. सही. तो इसलिए हल्का सा टच कर दो, हमारा ऑडियंस को एजुकेट भी कर रहे होते हैं. एग्जैक्टली. सही, बिल्कुल सही. अच्छा, कास्टिंग कैसे प्लान करते हो? अभी तक जो मुझे समझ आया है, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड है जिसके साथ कम्फर्ट जोन है, और वो दोस्त इन पे आप रिलाई भी कर सकते हो, एंड दे कैन एक्ट एज वेल, दैट्स अ प्लस thing, na? So how do you decide कि यार casting में कैसे role में किसको लेना है, कोई outsider जो कि उस comfort zone से बाहर हो, उसको भी cast किया आपने कि अभी तक नहीं? नहीं, हमारा अगर देखें, आप बिलाल अशरफ से मेरी दोस्ती नहीं थी. okay, अरमीना खान से मेरी दोस्ती नहीं थी. हानिया आमिर को ढूंढा था मैंने. एग्जैक्टली. तो कास्टिंग जो हम करते हैं वो बेस होती है कि कौन सा एक्टर किस रोल पे सूट करता है. ठीक है. उसके बाद क्योंकि अब मेरी अब अपना जो सर्कल है दोस्तों का, उसमें इतने टैलेंटेड एक्टर्स ऑलरेडी हैं कि उसमें फ़ायदा सिर्फ ये हो जाता है मुझे कि लेट्स से मैंने ये करना है. अब उस्मान मुख्तार है, अली रहमान है, अहमद अली हरीम है, अब ये वो वाले लोग हैं जिनको मैं कोई भी रोल दूंगा तो ये कर लेंगे. तो उसमें एक थोड़ा सा एज जरूर होता है कि मैं डेफिनेटली आया. पैसे बार्गेनिंग होती है? नहीं, अभी आई डोंट थिंक सो कि पैसों की बार्गेनिंग खास होती है. अभी अभी मेरी और अली की होनी है आज रात को पैसों पे बात. वो फैमिली है तो आई थिंक तो माफ कर देगा पैसे हमें. लेकिन डेफिनेटली पैसे तो देने जरूरी है. मुझे ये बताओ कि अभी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत सारे साल प्रोड्यूस करोगे, अच्छी फिल्में आपसे हमें मिलेंगी देखने को. तो अगर मैं कहूँ कि यू गेट टू चूज, हाइपोथेटिकली यू गेट टू चूज समवन फ्रॉम द पास्ट, जो पाकिस्तानी हमारे टॉप की डायरेक्टर्स गुजरे हुए हैं, सुपर हिट्स हुई हैं, यू गेट टू चूज वन ऑफ देम काम करने के लिए, किसके साथ काम करने की ख्वाहिश है कि अगर मौका मिलता? So, to be honest, unfortunately, पाकिस्तानी जो अच्छी जब टाइम था इंडस्ट्री का 70s, 60s वाला, उसकी आपको फिल्म्स अभी मार्केट में मिलती नहीं है. सो हम यंग जनरेशन ने वो फिल्म्स देखी हुई नहीं है, हमें पता ही नहीं है उन फिल्म्स के बारे में कि कौन सा डायरेक्टर अच्छा था, कौन सा प्रोड्यूसर अच्छा था. एक्टर्स का थोड़ा बहुत पता है, लेकिन डायरेक्टर्स का उस तरह नहीं पता. सही. ना ही हमारे मीडिया ने उनको उतना रोल दिया कि यार उनको एज इन कोई एक शो या कोई एक ऐसी चीज जिसमें हम नई जनरेशन थोड़ी सी इन्फॉर्म होती, जानते कि यार अच्छा इन्होंने ये काम किया था. अब फिल्म एजिया पे भी या कुछ, सॉरी ये मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये कि कुछ जो हमारे चैनल्स हैं जो फिल्म्स दिखाते भी हैं, वो भी जो हमारा गोल्डन एरा था उनके उन मेरी बात हो रही थी उनसे, उनके पास भी वो कॉपीज ही नहीं है कि वो 60s. एग्जैक्टली. आर्काइविंग है ही नहीं कि वो 60s 70s की फिल्म्स दिखा सके. तो इसलिए उस पॉइंट में तो मेरा कोई नहीं बनता, देखा नहीं है, देखा ही नहीं. सो हम चलो हम क्वेश्चन को रीफ्रेस में करते हो. माजी के जो मुख्तलिफ एक्टर्स रह चुके हुए हैं, कुछ अभी भी काम कर रहे हैं, कुछ दुनिया पे नहीं है. एग्जैक्टली. सो अगर हाइपोथेटिकली सेइंग मौका मिले, यू गेट टू चूज, तो मोहम्मद अली साहब हैं, बाबरा शरीफ हैं, वहीद मुराद को लेके काम करने के मतलब प्लान है? हाँ है, प्लान है. उनसे बात भी की है हम लोगों ने, एक आधी फिल्म आगे जो हम प्लान कर रहे हैं कि उसमें कैमियो दे दें अगर हमें. बाकी ये है कि जो ऑलरेडी लेजेंड्स हैं, जिस तरह अजब गुल साहब हैं, नई रजाज साहब जिनके साथ काम किया, इस दफ़ा हमारी फिल्म में शफकत चीमा साहब काम कर रहे हैं, तो उनके साथ काम करने में मज़ा भी आया, और एक वो फील होता है, वो प्रेजेंस नज़र आती है, और वो एक लर्निंग होती है जो वो आपको जो थ्योरी से नहीं आ सकती, आपको वो आपको ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज से एक्सपीरियंस से आती है, जो उनके पास है. अच्छा, सॉलिड पार्ट आपकी फिल्म का म्यूजिक था, लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, और इस हवाले से दो सवाल. व्हाई अरमान मलिक, पाकिस्तान में कोई बंदा क्यों नहीं, कोई स्पेसिफिक रीजन थी, यू हैड समथिंग इन माइंड? एंड सेकेंडली, इफ यू गेट टू वर्क विद एनी माजी का सिंगर म्यूजिक डायरेक्टर, हु वुड दैट बी? अगेन वही माजी का में आप जब आ जाते हो तो हमारा जो माजी है ना वो मैक्सिमम जाता है सजाद अली साहब तक. हालांकि वो माजी नहीं, वो भी अभी मतलब यंग है इन द सेंस. तो हम लोगों ने जब सजाद अली साहब या वाइटल साइंस, ये हमारा मैक्सिमम
वो है कि यार हाँ ये हमारे लेजेंड्स हैं, उनके साथ काम करने का डेफिनेटली हमारे जो एक्टर हैं अली रहमान, उन्होंने हमें आइडिया भी दिया था कि सजाद अली साहब से एक गाना हम उठाते हैं या अब्राउल हक से हम एक गाना उठाते हैं, तो वो एक प्लान था। रीज़न हम लोगों ने अरमान मलिक को या श्रेय घोषाल को क्यों रखा, एक जो प्रॉब्लम है हमारे पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री में वो ये कि हम लोगों ने ना हमारे पास प्लेबैक सिंगर्स नहीं हैं, हमारे पास एल्बम के लिहाज से वो बहुत अच्छे गाने बनाते हैं, जो प्लेबैक सिंगर्स जो एकदम बहुत मशहूर हुए हैं जो कि डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं, वो इतने महंगे हैं कि वो हमारे बजट्स में नहीं आते, क्योंकि हमारी फिल्म का बजट्स इतने होते हैं जितने बाकी हॉलीवुड या बॉलीवुड में दो गानों के बजट्स होते हैं, हमारी पूरी फिल्म उसमें बनती है। इवन टीवीसी जो हमारे हैं पाकिस्तान में जो एड्स बनते हैं वो हमारे फिल्म से ज़्यादा बजट के होते हैं, तो कुछ जगहों पे आपको प्रॉब्लम ये हो जाता है, बजटिंग में आप फंस जाते हो, लोकल एक्ट्रेस में लोकल टैलेंट में फंसते हो। हम लोगों ने मिक्स एंड मैच रखा था कि कुछ हम उठाएंगे पाकिस्तानी न्यू टैलेंट, नताशा बेग ने एक गाना गाया था, वो नॉमिनेट भी हुई, एक हमारी एक हैं अवैस न्याजी साहब, उन्होंने एक गाना गाया था हमारे लिए, तो हम लोगों ने मिक्स दो तीन पाकिस्तानी नया टैलेंट उठाया था और सलीम सुलेमान साहब से एक गाना लिया था, बाकी तीन गाने हमारे पाकिस्तानी थे। सही। इस दफ़ा भी हम मिक्स एंड मैच करेंगे, कुछ पाकिस्तानी कुछ इंडियन, आगे देखते हैं क्या होता है। होपिंग फॉर अमेजिंग म्यूजिक अलग है। नहीं, इस दफा का म्यूजिक तो मैं आपको अभी से गारंटी की लिख के दे सकता हूँ कि पर्ची का म्यूजिक तो नेक्स्ट लेवल है। अच्छा, इससे पहले कि मैं वाइंड अप करूं, आई वुड लाइक टू नो कि अभी के लिए पर्ची पे काम हो रहा है, सो फ्यूचर में इन कमिंग 5 years वेयर डू यू सी योरसेल्फ? 5 years आई थिंक कि मेरा बस यही ड्रीम होगा या है कि एक साल में अगर मल्टीपल फिल्म्स हमारे प्रोडक्शन हाउस बना सके, ज़रूरी नहीं कि मैं हर एक में प्रोड्यूसर हूँ, मतलब मैं एक प्रोड्यूस करूँ बट प्रोडक्शन हाउस 2 से 3 फिल्में या 4 फिल्में, सो ड्रीम तो ये है, लेट्स सी वो कहाँ तक पूरा होता है। वाओ, दैट्स अमेजिंग, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द पर्ची रिलीज। थैंक यू। और कब तक हम इसको एक्सपेक्ट करें देखने के लिए? दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर टू बी प्रिसाइज। ऑलराइट, फाइन, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट एंड कीप प्रोड्यूसिंग लवली फिल्म्स। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जनाब, ये थे इमरान काजमी हमारे साथ, और आप जो हैं वो सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा, कमेंट दीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए, आप पर्ची को कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और व्हाट एल्स यू वांट फ्रॉम इमरान के प्रोड्यूस करें, और इस बात के साथ मुझे यानी कि डीजे शाहपारा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।